नमस्कार, आज हम बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की जो कि आपके NTA पेपर 1 के सिलेबस में नया ऐड हुआ है। ये अध्याय है मुख्यतः जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज चालू हो रहे हैं, तो आज हम उनमें से ही दो टॉपिक्स को लेकर चर्चा करेंगे। पहला है आपका स्वयं और दूसरा है स्वयं प्रभा। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा के लिए। मान के चलिए इन दोनों में से एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन तो बनेगा ही, और ये सारी ही इन्फॉर्मेशन स्टडी मटीरियल में अपडेट हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट स्टडी मटेरियल रेफर कर रहे हैं वो इन सभी टॉपिक्स पे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लॉजिक के, दर्शन के, जो भी नए अध्याय आपके चालू हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा जो 32 DTA चैनल्स का एक सिस्टम है जिसमें बहुत हाई क्वालिटी का एजुकेशनल कंटेंट प्रसारित होगा। ये पूरे 24 घंटे चलेगा, सातों दिन इसका प्रसारण रहेगा। और ये प्रसारण किससे रिले किया जाएगा? GSAT-15 सैटेलाइट से या GSAT-15 उपग्रह से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कौन से सैटेलाइट की मदद से ये स्वयं प्रभा चालू रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर हर दिन एक नया कंटेंट ऐड होगा जो कि आपके 4 घंटे का होगा, और दिन में 5 बार वो कंटेंट रिपीट होगा। तो व्यक्ति या स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय, उपयुक्त समय चुन सकता है जिसमें वो इस पे कार्यरत रहेगा। अब इस चैनल के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये चैनल कहाँ से अपलिंक होता है? ये चैनल बिजाग जो कि गांधीनगर में स्थित है वहाँ से अपलिंक होता है। दूसरा, ये सेंटर मेंटेन कौन करता है? तो इन्फ्लिपनेट ये सेंटर आपका मेंटेन करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन कौन लोग इस पे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो पहला है आपका नेपटेल, दूसरा है IIT, UGC, CEC, फिर आपका इग्नू, NCERT और NIOS। तो ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने प्रोफेसर्स के थ्रू, अपने स्टाफ के थ्रू इस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की बात करती है। अब ये सारे ही कोर्सेज जो स्वयं प्रभा के थ्रू आ रहे हैं, ये विभिन्न विभिन्न डिग्री प्रोग्राम्स के लिए काम के हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए काम के हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए हैं। तो इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है स्कूल के बच्चों के लिए जो कि 9 से 12 कक्षा तक के हैं। दूसरी कैटेगरी है जो 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव परीक्षा देने के लिए प्रेरित करता है और उसके बेस्ड कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं। तीसरा है करिकुलम के बेस पे जो आपके कोर्सेज चल रहे हैं इग्नू के तहत या NIOS के तहत, उन करिकुलम के बेसिस पे इसमें कोर्स डिफाइन किया गया है और हायर एजुकेशन को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, उसकी इसमें बात की गई है। अब इसके पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो निश्चित तौर पे पार्टनर्स हो गए, तो वो तो हमने एक बात कर दी। जैसे CEC हो गया आपका कंसोर्टेरियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जिसे कहा गया है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है जो कि उन कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में नहीं था, और वो है QEE जो कि है क्वालिटी एनहांसमेंट इन इंजीनियरिंग। इसके अलावा पाठशाला और आपका इग्नू, बिजाग, ये सब हमने देखा, बिजाग, इन्फ्लिपनेट जो कि कंट्रीब्यूटर नहीं है पर किसी ना किसी तरीके से स्वयं प्रभा में यूजफुल है, तो वो सारे ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। QEE इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है। अब जैसा कि हमने बोला 32 चैनल है, तो यहाँ आपका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कौन से चैनल से क्या रिलेटेड है। तो पहले 10 चैनल CEC UGC द्वारा संचालित हैं, 18 तक के चैनल नेपटेल द्वारा संचालित है, 19 से 22 तक के चैनल IIT पाल द्वारा संचालित है। IIT पाल जो है IIT प्रोफेसर असिस्टेंट लर्निंग है जिसमें IIT के लोगों द्वारा ये लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो बच्चे JEE का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको किस तरीके से ये मददगार हो सकते हैं। इग्नू के 3 चैनल्स यहाँ पर हैं, NIOS के 4 चैनल्स हैं, जो चौथा चैनल है उसको ज्ञान अमृत कहा गया है। फिर चैनल 29 इन्फ्लिपनेट का है जो PG सब्जेक्ट्स और योगा से डील करता है। 31 और 30 चैनल्स जो हैं वो टीचर्स एजुकेशन के लिए हैं, तो वो एक चैनल आपका NCERT के द्वारा संचालित है और दूसरा जो चैनल है वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस इग्नू और NIOS के द्वारा संचालित है। तो ये आपके वापस महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। अगला हम बात करते हैं स्वयं की। स्वयं क्या है? अब स्वयं प्रभा तो हमने समझ लिया कि 32 चैनल्स हैं,
स्वयं जो है आपका स्टडी वैप फॉर एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी MOOC कोर्सेज बनाए जाएंगे, जिनको मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज कहा गया है, वो सारे कोर्सेज स्वयं पे होस्ट किए जाएंगे। तो नवीं कक्षा से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के सारे कोर्सेज इसमें बनाए जाएंगे, और ये एक तरीके से जितना भी डिजिटल डिवाइड है उसको फिलअप करने के लिए एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। तो सरकार की मदद से 3 पिलर्स मुख्यतः स्वयं के कहे गए हैं। पहला तो है लोगों को एक्सेसिबल बनाना, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना लोगों के लिए। दूसरा है इक्विटी मेंटेन करना, और तीसरा है बहुत अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना। तो ये 3 प्रमुख पिलर्स हैं जिसके ऊपर स्वयं का बेसिस निर्धारित है। MHRD और AICTE की मदद से बहुत सारा तकनीकी कार्यरत जो है वो किया गया है। लगभग 2000 कोर्सेज और 80,000 घंटे की लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करने की बात की गई है। जो पहला फेज़ है उसमें IIT बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, गुवाहाटी, JNU, DU, IGNOU, IIM बेंगलोर, कैलकाता और BHU के यूनिवर्सिटीज साथ में आके वहाँ के प्रोफेसर्स इस पर कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि 2 से 3 साल के अंतराल में इतने सारे कोर्सेज डेवलप किए जाएं ताकि एक अपना ही स्वयं का इंटरैक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित हो सके। तो 4 चीज़ों को यहाँ पर कवर किया गया है। एक तो वो लोग जो स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं 9 से 12 वर्ष के, एक वो जो स्कूल में नहीं है पर ओपन डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे हैं जो IGNOU के तहत ले रहे हैं या और भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ के तहत ले रहे हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो हैं। इस पूरे ही लेक्चर्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांटा गया है। पहला तो है कि वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन वीडियो लेक्चर्स की ट्रांसक्रिप्ट जो कि पूरा रीडिंग मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, फिर उसके बेसिस पे टेस्ट दिए जाएंगे और एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होगा जिस पे लगातार कम्युनिकेशन और डाउट रिजॉल्विंग सेशंस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है स्वयं के द्वारा। अब स्वयं क्यों महत्वपूर्ण है? ये एकमात्र ऐसी जगह है पूरे विश्व भर का, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जहाँ पर अच्छे से अच्छे बेहतरीन क्वालिटी का लर्निंग एक्सपीरियंस लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, स्कूल से लेके कॉलेज तक, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। इसको पूरे अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है, इसकी नॉलेज को एक्सेस किया जा सकता है और क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है। इसी के तहत एक और इनिशिएटिव था जो नेपटेल का था, पर नेपटेल का इनिशिएटिव मेनली सिर्फ IIT और IISc के ग्रुप्स के द्वारा किया गया था। तो जो ई कंटेंट था वो सिर्फ उन्हीं 23 डिसिप्लिन में था। इसमें ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस और ज़्यादा डिसिप्लिनस इंक्लूड किए गए हैं, स्कूल एजुकेशन को इंक्लूड किया गया है। तो 4 क्वाड्रेंट अप्रोच की बात की जाती है। अब ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, 4 क्वाड्रेंट अप्रोच क्या है, ये स्वयं का हिस्सा है और इसमें किस तरीके से आप तकनीक को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वाड्रेंट 1 में ये कहा गया है कि आप ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वर्चुअल लैब्स के द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशंस के द्वारा, सिमुलेशंस के द्वारा। क्वाड्रेंट 2 में ये कहा गया है कि उससे रिलेटेड आप टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे ई बुक्स की तरह, PDF की तरह या इंटरैक्टिव सेशंस के तरह। फिर है क्वाड्रेंट 3 जिसमें ये कहा गया है कि आप ओपन सोर्सेज के लिंक प्रोवाइड करेंगे, विकिपीडिया के लिंक्स हो सकते हैं, बुक्स, ई बुक्स, जर्नल्स के सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल की तरह वो लिंक्स हो सकते हैं। और फिर जो चौथा क्वाड्रेंट है वो असेसमेंट्स हैं जिसमें क्विजेस, आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और डिस्कशन फोरम इसका हिस्सा होगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच यहाँ पर की गई है। जो 3rd क्वाड्रेंट है वो वेब रिसोर्सेज है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो सेल्फ असेसमेंट है कि इतना करने के बाद व्यक्ति खुद को कैसे असेस कर सकता है। इसी के चलते जो वीडियोस बनाई जानी चाहिए उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है और ऐसा माना जाता है कि टीचर एटलीस्ट 25% ऑफ द टाइम उसका हिस्सा होना चाहिए। तो इस स्वयं का स्कोप क्या है? स्कोप हम ये बोल सकते हैं कि चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज को इसमें कवर किया गया है। लॉ, मेडिसिन, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, स्कूल एजुकेशन पे इसमें बल दिया गया है और स्किल डेवलपमेंट या कि जिसको हम बोलते हैं वोकेशनल कोर्सेज को डेवलप करने की बात की गई है। वोकेशनल कोर्सेज के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इसमें चर्चा की जाती है, वो है एडवांस्ड करिकुलम। एडवांस्ड करिकुलम में हम बोलते हैं कि एक यूनिफाइड प्रोग्राम होगा जिसके तहत आप CBCS
चुन सकते हैं, या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की जो हम बात करेंगे, जो हम ऑलरेडी एक कक्षा में ले चुके हैं, एक और कक्षा में हम उसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपके पेपर वन के सिलेबस में ये एक स्पेसिफिकली नया टॉपिक ऐड हुआ है कि, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से गाइडलाइंस हमने डिस्कस की, और जो वीडियोस यहाँ पर दी जाती हैं उनके ट्रांसलेशंस काफ़ी सारी रीजनल लैंग्वेजेस में लाए जाते हैं। तो एस्पेक्ट रेशियो जो वीडियो का है वो 16:9 होना चाहिए, और नॉइस फ्री ऑडियो होना चाहिए, वो कुछ गाइडलाइंस उनकी स्पेसिफिक हैं जो इस चीज़ से डील करती हैं। तो ये हमने स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में चर्चा की। वापस हम रिपीट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला, कौन से सैटेलाइट से ये लॉन्च होता है, कौन कौन से चैनल्स किस किस चीज़ को डील करते हैं, आपके स्वयं प्रभा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कंट्रीब्यूटर्स कौन है स्वयं में, स्वयं का एक्रोनिम क्या है, जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके अलावा पार्टनर्स कौन कौन से हैं, और चार क्वाड्रेंट कौन से हैं, और तीन पिलर अप्रोच जिसमें हमने एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात की। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि आपके स्वयं और स्वयं प्रभा में से निश्चित आ सकते हैं। बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप फुल मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं इन टॉपिक्स में। आगे हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।